मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में भारी भ्रष्टाचार को लेकर आज कसरावत विधायक सचिन यादव ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पूर्व कृषि मंत्री कसरावत विधायक सचिन यादव के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसरावत द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ एवं घटनाओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कसरावत अग्रिम कुमार को ज्ञापन सौंपा। विश्वास जिनिंग से रैली निकाली गई, जिसमें बेरोजगार युवाओं ने भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। भाजपा के राज में बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भाजपा द्वारा होनहार युवाओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्रदेश के युवाओं में भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से मोटी फीस वसूल की जाती है और उसके अवज उन्हें मिलता है घोटाला और धोखा। इन घटनाक्रमों के चलते देश में हमारे प्रदेश छवि धूमिल हो रही है। साथ ही पढ़ाई में मेहनत करने वाले हमारे युवा साथी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। केंद्र और राज्य भाजपा सरकार द्वारा लगातार युवा बेरोजगारों की अनदेखी कर रहे हैं, चाहे वह यापन घोटालो या पटवारी भर्ती हो। परीक्षा क्यों न हो, भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मध्य प्रदेश की निकम्मी भाजपा सरकार के पटवारी चयन परीक्षा में किए गए घोटालों को लेकर क्षेत्र के युवाओं के साथ आज दिनांक 19 जुलाई 2023 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विधायक महोदय श्री सचिन सुभाष यादव जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम अनुभागीय अधिकारी राजस्व कसरावत को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। काफी आक्रोश दिखाई दिया, बहुत जोश और खरोश में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। क्या पिछले 18 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार हमारे जो नौजवान साथी हैं उन नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लगातार देखने में आ रहा है इन 18 सालों में व्यापम से भर्ती घोटालों की शुरुआत हुई थी जो फैल करके समस्त विभाग हो उन विभागों तक ये घोटाले पहुँचे, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती की बात करें, चाहे आयुष विभाग की भर्ती की बात करें, चाहे पुलिस के में भर्ती की बात करें, चाहे पटवारी की हम पटवारी भर्ती की बात करें, ऐसा कोई भी विभाग जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं छूटा है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, जहां पर घोटाला या गड़बड़ नहीं हुई। आज हमारा नौजवान है, उस नौजवानों से फीस के नाम पर एक मोटी राशि जो है ली जाती है और वो हमारा नौजवान पिछले कई वर्षों से कई समय से जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, इन भर्तियों के लिए रास्ता देखता है और अंत में उसके साथ धोखा और उसके साथ छलावा जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीच में एक वीडियो भी आया था 15 लाख रुपए का एक लड़की का मामला। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें जो है इंगित कर रही है और तमाम सबूत जो है आज सरकार के पास में है।
जहाँ पर अगर हम मैं पटवारी घोटाले की बात करूँ तो 10 में से 7 जो है विद्यार्थी वो एक ही सेंटर से आते हैं, लगभग 114 लोग उस सेंटर से चुने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े घोटाले और बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करती है, और सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर कार्रवाई करें और जो दोषी लोग हैं उन दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। नहीं लगता आपको कि हमारे जो नौजवान साथी हैं उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें? भैया जब अभी व्यापम की जाँच ही कम्प्लीट नहीं हो पाई है और ये नया घोटाला क्या लगता है? देखिए निश्चित रूप से जो ये सरकार जो है इनको ना तो प्रदेश से कोई चिंता है, ना प्रदेश के जो युवा साथी हैं प्रदेश के युवा साथियों की चिंता है, ना प्रदेश की छवि की चिंता है। आज मध्य प्रदेश का कोई भी नौजवान जो मेहनत करके परिश्रम करके डिग्री हासिल करके जब देश विदेश में जाता है तो उसको शंका की नज़र से देखा जाता है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की जो सरकार है उनका कुशासन है, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। और इस सरकार को चाहिए कि चीज़ों को दबाने की बजाय, घोटालों को दबाने की बजाय उन पर कार्रवाई करें, दोषी लोगों पर कार्रवाई करें। ये हम लोग भी सब साथ प्रदेश के मुखिया ने परीक्षा को तो रोकने का दे दिया बल्कि जांच के आदेश अभी तक नहीं दिए। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामाबाजी हम लोग देखने को मिल रहे हैं। हम लोग लगातार आप लोग देखें कि 2008 से आप देखें 2008 से 6 महीने पूर्व के आप वीडियो उठा करके देख लीजिए। हर बार सरकार कहती है कि 1 महीने के अंदर अगस्त तक जो है हम 1,00,000 पदों की भर्ती करने का काम करेंगे, और ये सिलसिला 2008 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, और 2023 में भी यही नज़ारा हम देखने को मिलते, लेकिन भर्तियों के नाम पर एक भी भर्ती आज तक जो है सरकार ने नहीं करी। इस मुद्दे को उठाने का कांग्रेस है बल्कि इसमें अहम भूमिका पूरा पीसीसी अरुण यादव जी के मुख्य है। निश्चित रूप से भोपाल में जब ये मामला संज्ञान में आया तो आदरणीय अरुण यादव जी ने प्रमुखता से इस विषय को उठाने का काम किया, और युवाओं से जुड़े हुआ ये जो गंभीर विषय है उस गंभीर विषय को जनता के सामने लाने का काम किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।